हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूँ आपके लिए आर्टिकल यानी संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज बात करेंगे मित्रों भाग तीन की। भाग तीन में कितने अनुच्छेदों को रखा गया है और क्या क्या इसमें कहा गया है। आर्टिकल 12 से 35 तक भाग आपका तीन चलेगा और इससे पहले के वीडियो हम आपको दे चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला पॉइंट है संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार किस में आते हैं मित्रों, ये आते हैं आपके भाग तीन में और 12 से लगाकर 35, आर्टिकल 12 से लगाकर 35 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार आते हैं। इसी के साथ बात करते हैं जनता के प्रति विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित कौन करता है। राइट आंसर है मौलिक अधिकार साथियों इसको मर्यादित करता है विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को। राइट आंसर है मौलिक अधिकार। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे पॉइंट नंबर तीन की। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से 35। इसी के साथ बात करते हैं मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था। राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूल अधिकारों का प्रारूप बनाया गया था। राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपने मित्रों नोट करना है ये। इसी के साथ बात करते हैं पॉइंट नंबर पाँच की। सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने और कब की थी। तो राइट आंसर सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। कहाँ, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। सर अध्यक्ष कौन थे इसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने घोषणा पत्र में अधिकारों के यानी मूल अधिकारों के मांग की बात की थी। किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1931 में कराची अधिवेशन में इन्होंने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे क्वेश्चन नंबर छः की। क्वेश्चन नंबर छः, जब संविधान बना तब भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले थे। राइट आंसर, 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए, भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे मित्रों। पॉइंट नंबर 7 है, वर्तमान में भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने अधिकार देता है। तो राइट आंसर है वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 अधिकार दिए जाते हैं। एक संपत्ति का अधिकार था जिसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया था मित्रों, बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के जरिए निरस्त कर दिया गया। राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मित्रों अब ये कानूनी अधिकार कर दिया गया है, इसको संविधान संशोधन के जरिए निरस्त कर दिया गया है। अब प्रेजेंट टाइम में कितने अधिकार हैं, 6, पहले कितने थे मित्रों, 7, और संपत्ति का अधिकार किस में बदल दिया गया है, कानूनी अधिकार में। इसी के साथ बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की। संपत्ति के अधिकार को किस अधिनियम संशोधन से निरस्त किया गया है। तो राइट आंसर 44वें संशोधन अधिनियम से इसको निरस्त कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन से नष्ट कर दिया गया है और नष्ट करके क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका क्या नाम है। संविधान में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए उनका नाम क्या है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये साथियों मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनके नाम है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं समता मतलब समझ लेते हैं, समता क्या होती है, समानता का अधिकार, आप सरकार की नज़र में सबको सरकार एक समान देखती है। स्वतंत्रता का अधिकार है, आप पूरे भारत में स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है, आपका दुरुपयोग कर रहा है, आप ही के जरिए आपका कोई दुरुपयोग कर रहा है तो आप उसके प्रति कार्रवाई कर सकते हैं मित्रों। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मित्रों। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार, ये सब किस में आते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता कैसी मित्रों, अगर आपको लगता है कि आपके धर्म का कोई दूसरा व्यक्ति हनन कर रहा है या उसकी उल्लंघना कर रहा है तो आप कानून से उसकी शिकायत कर सकते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आपकी जो पुरानी संस्कृति है शिक्षा है उसके विरुद्ध कोई अगर खड़ा होता है तो आप उसके भी प्रति कार्रवाई कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मित्रों, ऐसे आपके कोई संवैधानिक अधिकार है उनका कोई हनन नहीं कर सकता मित्रों। अगर आपको लगता है कोई हनन कर रहा है आपके संवैधानिक उपचारों को तो आप शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे
भारतीय नागरिकों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर है मित्रों, अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक भारतीयों को समानता का अधिकार देता है। किसका? नोट पॉइंट है मित्रों, आप सभी लोग नोट करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाता है कि समता का अधिकार नागरिकों को किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या है मित्रों इसका, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18 तक आपको समानता का अधिकार दिया जाता है मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं आगे अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 है के तहत भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त हैं, यानी राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान करेगी और उसी तरह उसे लागू करेगी। सरकार क्या करेगी? एक कानून बनाएगी और उसको समान रूप से लागू करेगी, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा, यानी एक समान कानून रहेगा सभी के लिए। इसी के लिए बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, के तहत किसी भी नागरिक के साथ राज्य, धर्म, जात, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई आपसे भेदभाव करता तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं मित्रों। बात करते हैं इसी के साथ आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 के तहत भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। भारत का कोई भी नागरिक होगा उसके लिए आर्टिकल 16 में कहा गया है कि आपकी पद की नियुक्ति के लिए आप किसी भी पद पर काम करना चाहते हैं सबको एक समान से देखा जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबको एक ही लाइन में खड़ा कर उसका अधिकार दिया जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 की। आर्टिकल 17 के तहत अस्पष्टता का अंत कर दिएगा। किसका? अस्पष्टता मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत कर दिया गया मित्रों। किसके? आर्टिकल 17 के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पष्टता का अंत कर दिया गया है। आइए बात करते हैं मित्रों आगे आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 के तहत भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी भी देश से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं स्वीकार करेगा। यानी अनुच्छेद 18 कहता है, आर्टिकल 18 कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की बिना आज्ञा के कोई विदेशी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। उपाधि क्या होती है मित्रों? उपाधि मतलब जैसे कोई पद, अगर आप टीचर हैं तो आपको क्या कह के कोई बुलाएगा? आप कहीं जाते हैं आपका कोई नाम तो नहीं जानता तो आपसे कहेगा टीचर आ रहे हैं, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल कहेगा। तो ये होती है उपाधि। किसी भी विदेशी उपाधि को आप बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं आगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 19 जो है मित्रों, इस नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 में क्या है? आर्टिकल 19 देखते हैं मित्रों। सभी नागरिकों को विविध प्रकार की विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अब अनुच्छेद 19 के 1 पॉइंट में यानी का में बताया गया है अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब बोलने की और प्रेस की स्वतंत्रता है। आप कुछ भी बोल रहे हैं आपकी स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता कही गई है इसमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आपका खा पॉइंट है 19 का खा, शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के एकीकृत होने और सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप सभा की या सम्मेलन की, आप सभा भी कर सकते हैं सम्मेलन कर सकते हैं, वो भी बिना शस्त्र के, यानी कोई ऐसा शस्त्र नहीं ले जाएंगे सभा के अंतर्गत जिससे आप की सभा में अशांति फैल जाए, यानी बिना शस्त्र के आप सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। गा पॉइंट है किसी भी प्रकार के संघ बनाने की आपको है अनुमति, आप किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बना सकते हैं, किसी को भी उसमें जोड़ सकते हैं, ये सब आपको अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए? आप किसी भी प्रकार का संघ या कुछ भी बना सकते हैं। घा पॉइंट है मित्रों देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की छूट है आपको, यानी आप भारत देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे 5वां पॉइंट है किसी भी प्रकार के व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। आपको किसी भी प्रकार के व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, आप भारत के अंदर कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर आप व्यापार कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, बस सकते हैं मित्रों।
मित्रों आपको आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और पॉलिटी यानी संविधान से जुड़े और आगे की क्लास लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों इससे पहले भी हम वीडियो दे चुके हैं, आप वो जाके देख सकते हैं, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।